समागम जाने की तैयारी हो रही थी, समागम जाना था। तो बेटे बहू ने पूछा कि पिताजी समागम जाना है, आप तैयार हो जाओ। तो जवाब में देते हैं महापुरुष कि तुम अपनी तैयारी करो, हम तो समागम पहुंचेंगे, तुम तैयार हो जाओ, अपनी तैयारी करो, समागम हम जरूर जाएंगे। तो बेटे बहू तैयारी करने लगे, तैयारी करते करते थोड़ा सा समय बीत गया। समय बीतने के बाद उन्होंने बुलाया कि सभी लोग सुमिरन में साथ दें, सुमिरन करते हैं। तो सुमिरन करते करते होता क्या है कि यही सुमिरन, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनु बख्श लो। तो सुमिरन करते करते महापुरुष जो हमारे बहुत ही पुरातन, उनका जब भी जिक्र करता हूं देखो आंखों में आंसू झलक आते हैं। सुमिरन करते करते समागम का समय था। तो उससे पहले की थोड़ी सी बात बता देता हूं कि बोला कि बाबूजी समागम आने वाला है, समागम जाना, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप समागम कैसे जाओगे। बोला बेटा चिंता नहीं करो, मैं समागम जरूर पहुंचूंगा, जरूर जाऊंगा, तुम अपना देख लेना। समागम से शुरू होने से 2-3 दिन पहले की बात थी कि बाबूजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप समागम कैसे जाएंगे। बोला बेटा मेरी चिंता मत करो, मैं समागम जरूर पहुंचूंगा, जरूर जाऊंगा, आप अपना देख लो, अपनी तैयारी कर लेना। तो ये बोला था। जब समागम का समय आया और जाने का समय आया तो बोला बाबूजी अब चलना है। तो बोला बेटा ठीक है, आप तैयारी करो, हम तैयार हैं। तैयार होके बोला चलो। तो होता क्या है कि बोला सुमिरन करते हैं पहले। तो सुमिरन करवाते करवाते तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनु बख्श लो। और उनका मुंह खुला का खुला, आंखें फटी की फटी रह गई, ये ब्रह्मलीन हो गए, इस आत्म निरंकार में विलीन हो गए, समागम उनसे पहले पहुंच गए। तो ऐसे महात्मा की आज पूरी दास्तां मैं आपको सुनाने वाला हूं। आंखों में आंसू भर आए कि ऐसे महात्मा मिलते नहीं है। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने भी कहा था कि चाहे वो ब्रह्मज्ञानी हो, निरंकारी संत हो, अगर वो मनमति करता है, मनमत में रहता है, तुम्हें भी गुरुमत से दूर ले जाने की बात करता है, सत्संग से दूर रखता है, सेवा से दूर रखने की बात करता है, सुमिरन से दूर रखने की बात करता है, तो उसका साथ छोड़ दो। अगर ऐसे संत महात्मा, पुरातन संत महात्मा जो मिल जाए तो उनके चरण पकड़ लो, उनकी चरण धूल मिल जाए तो भी तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। आज ऐसे ही महात्मा की आपको पूरी दास्तां सुनाने वाला हूं मैं कि इन्होंने अपने अंत समय में क्या क्या कहा और जो कहा वो सत्य हुआ क्यों। ऐसे महात्मा बहुत, कहते ना मुश्किल से बिरले ही महात्मा आपको मिलेंगे। कि कहते पूर्ण संत, अभी जो पहला वीडियो, इससे पहले जो वीडियो आया है कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप ही निरंकार, ब्रह्मज्ञानी खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर, ऐसे संत होते हैं जो खुद निरंकार का स्वरूप बन जाते हैं। जब ये निरंकार की ज्योति, सदगुरु दिव्य ज्योति देता है, ये जब ये दिव्य दृष्टि देता है, निरंकार को देखते हैं, रमे हुए राम को देखते हैं, उस समय ये पूरी तरह से अपने आप को निरंकार में डुबो देते हैं, खोल देते हैं। तो आज ऐसी एक कहानी, सच्ची कहानी, अपने बहुत ही करीबी संत महात्मा जो आज हमारे बीच नहीं है, मगर वो यादों में हर रोज, ऐसा कोई दिन नहीं है कि पूरे दिन में ना जाने कितनी बार उनकी याद आती है, उनके वचनों को याद करता हूँ। उस समय की बात है जब मैं बहुत ही परेशान था, अक्सर दिन में रात में ड्यूटी, दिन में ड्यूटी, शाम को अपनी दुकान पे जाना, तो दिन रात ड्यूटी करने के बावजूद इतना दिमाग का, आपको पता अनरेस्ट माइंड होगा तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत आना, नींद ना पूरी होने के कारण तो बहुत गुस्सा आता था, मगर उनके चेहरे पर कभी गुस्सा देखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है महात्मा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे समझाना हर तरह से कि उनके पास बैठा दुश्मन बंदूक गोली ताने, अगर सामने वाले को मारने के लिए अगर घोड़ा दबाने को तैयार हो तो वो भी बंदूक फेंक देगा। ऐसे महात्मा की कहानी आज आपको बताता हूँ। तो सभी
सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तकों के धन निरंकार जी और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बात करने वाला हूं महात्मा जी की एक एक पूरी कहानी जीवन से जुड़ी हुई दास्ता जो हमें वो बताया करते थे बाबा अवतार सिंह के जमाने से। वो मतलब ज्ञानवान थे, संगत करते थे और संगत ऐसी आज हमारी अवस्था कैसी है। हम संगत जाते हैं तो हम अपना काम काज को वो करते हैं, काम देखते हैं सबसे पहले, काम में समय मिलता है चलो महात्मा जी समय मिलेगा जरूर पहुंचेंगे संगत। मगर वो महात्मा ऐसे थे जहां भी संगत होती थी दूर दराज की संगत नंगे पांव पैदल तक गए हैं। जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, घर में खाने को मेहमान आया करते थे, घर में खाने को एक दाना नहीं हुआ करता था, मेहमानों को बुला लिया करते थे और इस दातार पे छोड़ दिया करते थे, सब कुछ ऐसे हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था। कहते जब पूरी तरह से हम समर्पण हो जाते हैं कि जो जो भी हो, सुख हो दुख हो, हे दातार सब तूने करना है। ऐसे संत महात्मा एक एक बात उनकी पूरी सुनने लायक है क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ी सिखलाई मिलेगी हम कहाँ हैं। और वो महात्मा ऐसे कहीं भी आपके अड़ोस में पड़ोस में दूर दराज में कहीं भी संपर्क में ऐसे महात्मा अगर आ जाते हैं तो उनके नतमस्तक हो जाओ, चरण पकड़ लो, उनकी धूली बन जाओ। कहते चरण धूली हमेशा साथ रहती है तो उनके संग रह लो। वैसे तो हमारे यार दोस्त रिश्तेदार बहुत हैं, ऐसे संत महात्मा नहीं मिलते जो हमारा जीवन धन्य कर दे। आज भी देखो इतना हम अपने बाप को नहीं याद करते, इतने चाचा ताऊ को याद नहीं करते रिश्तेदार, जितना आज उनको हर पल याद करता हूं मैं, ऐसे संत महात्मा का नहीं। तो वो अवस्था थी जब कहते हैं ना एक रुपए की नमस्कारी बहुत बड़ी थी, आज जो फंड के पर्चियां कटती है एक एक रुपए की पर्ची कटवाते थे, वो जमाना कौन था था। तब वो संगत नहीं छोड़ते थे, हमें बताते थे महात्मा जी दूर दूर 20-20 किलोमीटर पैदल गए हैं, साइकिल से जाते थे, साइकिल कभी पंचर हो जाती थी तो जेब में नमस्कारी तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और ऊपर से साइकिल भी। एक बार की बात बताएं, हुआ यूं, महात्मा जी जा रहे थे साइकिल से, तो साइकिल से बहुत दूर प्रतापगढ़ की बात है, प्रतापगढ़ में महात्मा जी रहते थे, उनका परिवार भी आज यहाँ है बहुत अच्छा। उनके बारे में पहले वीडियो उनके बेटे ने शेयर की बातें तो आज देखा कि कहते बार बार अगर हम इनको को 2-4 महीने में उनकी बातें बार बार रिपीट ऐसी बातें करेंगे तो हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव होंगे, हमें भी मिलेगा कि हाँ वास्तव में ऐसा होना चाहिए। तो वो सत्संग जा रहे थे साइकिल से, हुआ यूं कि साइकिल पंचर हो गई, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं था, नमस्कारी के पैसे नहीं थे और फिर भी सत्संग को चल दिए। बोला दातार कृपा होगी सब हो जाएगा। सत्संग को निकल पड़े, रास्ते में देखा साइकिल पंचर हो गई, रास्ते में पंचर हो गई साइकिल। अब पंचर साइकिल से उतर के पैदल पैदल चल रहे और बता रहे थे, मुझे खुद बता रहे थे कि महात्मा जी तो पैदल चल रहा था, गर्मी का मौसम था, पसीना सर से लेके ओहो गर्दन क्या हालत होती, आप जरा सोचो कि जब पसीना टपक रहा हो भीषण गर्मी में और पैदल चलने की नौबत आ जाए, ऊपर से कुछ खींचना भी पड़ जाए तो कितनी बुरी हालत होती है। तो कह रहे महात्मा जी हमने कामना की कि ये दाता सदगुरु माता जी 10 रुपये मिल जाए तो बात बन जाए, 2 रुपये में पंचर लग जाता, नमस्कारी भी हो जाएगी। तो कहते जैसे हमने कामना की तो सामने 10 का नोट हमें दिखाई दिया, हमने उठा लिया, शुक्राना किया और कह रहे घुटनों के बल नमस्कारी करी वहीं पे, दाता तेरे लाख लाख शुक्राना है। कहते जब हम इसके ऊपर पूरी तरह से अपने आप को निछावर कर देते, सदगुरु कहते एक सदगुरु देह नहीं है, सदगुरु शरीर नहीं है, सदगुरु कोई इंसान नहीं है, सदगुरु ये निरंकार आप है जो हमें समझाने के लिए ये जामा पहन के आया है, सदगुरु वही रहता है। तो कह रहे महात्मा जी 10 रुपये हमें मिले तो हमने पंचर फिर लगवाया और वहां पे नमस्कारी हमने 1 रुपये की। तो ऐसी बातें, और आज ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आप लोग भी वीडियो पूरा देख नहीं पाएंगे, काश कहीं वो देखते कहीं नहीं देखते हम, तो बताने लग रहे थे। अब वो क्या हुआ कि काफी समय के बाद धीरे धीरे कहते हम बस मैंने करे कभी भी कुछ मांग नहीं की, कभी भी सदगुरु से ये नहीं कहा कि सदगुरु हमें बिल्डिंग बना दो, सदगुरु हमें ये दे दो, हमारे बेटे को इंजीनियर बना दो, हमारे बेटे को डॉक्टर बना दो, बस सिर्फ अपना काम करता गया, चुपचाप जो पैसे मिले उसे शुक्राना करता गया, संगत हमने कभी छोड़ी नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं,
आज हम नियर बाई की संगत करते हैं, दूर दराज में हम 10 बार सोचते हैं, नमस्कारी के लिए हजारों जेब में होते हैं तो छोटा नोट निकाल के नमस्कारी करते हैं, पर्ची भी हम सोच समझ के कटवाते हैं, कितने कटवाओ करे, हमारे पास जो हुआ करता था जेब में सब हम नमस्कारी में दे देते थे, जो जैसे जितने पैसे लेके जाते थे सब नमस्कारी में कर दिया करते थे हम। कई बार पैसे भी नहीं होते थे तो सत्संग हमने कभी छोड़ा नहीं, सत्संग पता भर लग जाए कि यहाँ फला आदमी के घर पे है या वहाँ सत्संग है या कहीं ग्राउंड में है या कहीं समागम हो रहा है या सत्संग भवन में आसंगत है, कहीं सत्संग के नाम पे हमने सब कुछ छोड़ दिया मगर सत्संग नहीं छोड़ा। आज हम सब लोग क्या करते हैं, आज हम सब लोग कहते हैं कि सत्संग छूट जाए मगर दुकान पे आए ग्राहक वापस नहीं जाने चाहिए, हम सबकी अवस्था ऐसी है। ड्यूटी कहते एक बहुत बड़ी संगत मिली है, ड्यूटी 5 बजे छुट्टी होगी, 6 बजे संगत है, जा नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं 7 बजे चले जाएंगे, मगर कहते हैं संगत से हम पहले पहुंचते थे, संगत से पहले पहुंचा करते थे, ऐसी अवस्था थी। तो काफी समय के बाद क्या हुआ कि दातार ने सच्चे पाशा सदगुरु ने कृपा की कि उन्होंने दिल्ली में छोटा सा उनके बेटे ने मकान लिया, उनकी कृपा से बोला ठीक है, तो वो आए और महापुरुष भी आए, वो आज बहुत ही अच्छे पुरातन महात्मा है, सेवादार, आज भी देखो कहते हैं कि जो उन्होंने बीज डाला था वो आज देखो पेड़ इतना फला फूला है, दातार के पास से सारी बात आपको बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, छोटा सा मकान ले लिया और इतना छोटा सा कि बस एक बरामदा कमरा, बस उसको ऊपर नीचे करके लेटरिंग या बाथरूम वहां ऐसे बनाया, तो उन्होंने 1 रुपए से पर्ची कटवानी शुरू की थी बिल्डिंग फंड की, 1 रुपए से, और कटवाते गए, जैसे जैसे उस मतलब सिचुएशन बदलती गई पैसे 5 रुपए 10 रुपए बढ़ाते गए, 10 रुपए पर्ची कटवाते, कभी छोड़ा ही नहीं, नागा नहीं किया। हम लोग अक्सर भी इनसे वंचित हो जाते हैं, दास भी ऐसे हो जाता है कई बार उसे। तो हुआ यूं, कटवाते गए, छोटा सा मकान ले लिया। अब हुआ ये, करते करते इसी छोटे मकान में वो ब्रह्मलीन हुए थे, मगर उन्हें छोटी सी एक बात कही थी बहुत बड़ी कि बेटा एक बात बताएं, इस मकान में आप 2 से 3 साल रहोगे, दातार कृपा करेगा जरूर, आपको बहुत बड़ा मकान मिलेगा, बहुत बड़े मकान में जाओगे बेटा आप, मैं जाऊं ना जाऊं मगर आप जरूर बड़े मकान में जाओगे, ये मकान में आपको 2-3 साल के लिए आपने दिया है, इस मकान को दातार ने आपको 2 से 3 साल के लिए ही दिया है, ज्यादा समय के लिए मकान नहीं दिया है, अपने मर्जी से 2-3 साल रह पाओगे, उसके बाद आपको दातार कृपा करेगा, बड़ा मकान देगा। क्या देगा? बड़ा मकान देगा, ये शब्द उन्होंने बोला था कि बड़ा मकान देगा। तो आज वो रो रो के बताते, जब भी उनसे पूछो, आप कभी भी अगर कोई भी मिलना चाहे उनके बेटे से उनके बहू से, कमेंट करना, उनका नंबर हम देंगे, आप मिल सकते हो। अभी कभी भी अब उनके पिताजी के बारे में आप भूले भटके से भी अगर जिक्रा कर दोगे ना, तो रो रो के कहानियां सुनाते हैं कि ऐसे थे वो, अपने आप को शरीर छोड़ देते थे, बैठे बैठे शरीर का ध्यान ही नहीं, कहते ना कि अंतर ध्यान हो जाते थे, इस निरंकार में इस तरह से अब विलीन हो जाते थे, अपने आप को आत्मा इसमें इस तरह से, कहते हम बैठे हम अभी वीडियो बना रहे, ऐसे विलीन हो जाते थे, सुमरन ऐसे करते थे, होश ही नहीं, शरीर कहाँ है और वो कहाँ है, शरीर को उन्होंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अरे ऐसी अवस्था हो गई हमारे सामने की बात है, हमने भी दातार कृपा करे ऐसे मुख से निकले रहा, अंत समय से पहले कुछ समय दास को भी कुछ सेवा का, उनके तन सेवा का कुछ मौका मिला, कभी कुछ अक्सर खबर आती थी कि देख लो कुछ बीपी वगैरह, तो डाउन बीपी देखना, कभी कोई एक दो खांसी ज्यादा आया करती, उन प्रॉब्लम कुछ और थी, एक दो बार इंजेक्शन लगाने का मौका मिला, कई बार आना जाना सेवा उनके, जब तक वो रहे हमारे साथ उस घर में हमारा खूब आना जाना रहा, जब से वो उन्होंने विलीन हुए ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा, जब से इस दुनिया से रुखसत हुए और इस दाता निरंकार में विलीन हो गए, तब से उस घर में जाने का मन नहीं किया, ऐसे लगा कि कहते ही हमारा जब तन छोड़ के चला जाता हम कहाँ जाए, सब कुछ चला गया, जितना दुख उनको होगा, बहुत कहते ना ऐसे को दुख किसको नहीं होता, अरे हम तो बहुत दुखी, उन्होंने हमें बहुत समय दिया, ये मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जब तक दिल्ली में यहाँ पे रहे हमें बहुत समय दिया, अक्सर रोजाना 2-3 घंटे हमें समय दिया, दुकान पाके बैठना, और जब तक बैठे रहते 7:30-8 बजे वो गए और हम दुकान बढ़ाए।
तो अब आगे हम उनके बारे में क्या बताएं। जब वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा 2-3 साल ही रहे हैं, और जितने साल रहे हैं सबसे ज़्यादा अगर अपने घर के बाहर किसी को समय दिया है, मिलने गए हैं, वो सबसे ज़्यादा समय दास को दिया है, धन्य कर दिया। क्योंकि कहते हैं हमारे भी कोई कर्म रहे होंगे जो ऐसे संत महात्मा का हमें साथ मिला। वास्तव में कई बार अपने वचनों से रुला देते थे, कई बार हम जैसे आपस में मिलते हैं, मिलते ही धन धनकार जी नमस्कार ही करते, और कैसे सब दातार कृपा ठीक है, घर परिवार में ठीक है, इतना पूछते। उसके बाद मनमति की बातें होती है, संसार की बातें होती है, मगर वो जब तक हमारे पास बैठे 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने घंटे बैठे गुरमत की बातें किया करते थे, बाबा अवतार सिंह की बात किया करते थे, बाबा नहार सिंह की बात किया करते थे, सब कुछ बताते थे कि वहां से शुरू हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे पूरी मिशन की बातें बताया करते थे, एक एक बात में बताते थे। काश अगर आज वो होते, इस समय तक रहते, तो ये दास को पता नहीं क्या बन जाता। आज तो दास बन नहीं पाया, कह रहा है दास, मगर दास अभी बन नहीं पाया, अभी तो पता ही नहीं क्या हूं मैं, बस वही हूँ, थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ। काश अगर वो होते, अब यही कहता हूँ कि काश ऐसा कोई संत मिल जाए जैसे हमारे वो महात्मा सुमेर जी थे, ऐसे ही कोई संत हमें मिल जाए, उसका साथ मिल जाए, कि ताकि हमें इस जंग खाए लोहे को मार मार के हथौड़े, और फिर वही आकार बना दे, ये निरंकारी बना दे, ये गुरमत में ला दे। बहुत मन करता है आप जी को बताता हूँ। तो बस यही बातें हैं, छोटी सी थी। तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कठिनाइयों का सामना करा, मगर कभी भी सत्संग से मुंह नहीं मोड़ा। कुछ भी हो जाए, सत्संग, सेवा, सुमरण, सत्संग, ये 3 चीजों बस इसी पे चलते रहे। पूरा जीवन अपना गुरुमत में ढाला है, गुरुमत के अनुसार चले हैं। और देखो, आपको बताया मैंने कि जो समागम के समय की बात बता रहा हूँ, आपको ये समय जो बताया था कि आज की बात बता रहा हूँ, आज दातार कृपा से 150-200 गज का उनका 4 मंजिला मकान बन के तैयार हुआ, और सदगुरु की कृपा से बहुत बड़ी संगत, बड़े पुरातन संत महात्मा जी आए थे, बहुत बड़े दूर दूर के संत महात्मा आए थे, और उनके वहाँ पे दास को देखो ऐसे कि संगत में जो भी महात्मा समय मिल रहा था, हर किसी में उन्हीं की सूरत झलक रही थी, और पहली संगत थी बख्श लेना बताना। आप कहते हैं कि हम ये भाव होने चाहिए, पहली संगत, ना जाने हजारों संगत करी होंगी उनसे, उनके साथ, उनके पहले, उनके बाद भी, मगर उस संगत में बैठे बैठे दास वहां रो रहा था, संगत में आंखों में आंसू भरे रो रहा था, रोना आ रहा था कि उनकी याद आ रही थी, काश अगर यहाँ होते, इस समय होते तो कितनी खुशी होती। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ना कोई दुबले, ना कोई पतले, हेल्दी वेल्दी, एकदम हट्टे कट्टे थे। आपने देखा होगा, वीडियो क्लिक किया होगा, थंबनेल में जो फोटो लगी वैसे ही थे, कभी कमजोरी छाई नहीं, चेहरे पे मुरझा, चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं थी, उनके चेहरे पे कभी शिकन देखी नहीं, कोई उदासी कभी देखी नहीं। अरे कहते हैं ब्रह्मलीन होते हो गए, मगर कह चेहरे पे कभी उदासी नहीं, मायूसी नहीं, हर समय शुक्राना, हर समय शुक्राना, बिस्तर पागे तो शुक्राना, पैदल दौड़ रहे तो शुक्राना, डंडा पकड़ के चलते हैं, चलते रहे तो शुक्राना, अरे ऊपर से नीचे को उतारने के लिए हाथ का सहारा देना पड़ा तब भी शुक्राना, कि हर हाल में शुक्राना। मगर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कहीं खरोच भी लग जाए, दर्द हो जाए, तो शुक्राना ही करना छोड़ देते, शिकवे गिले पे उतर आते हैं, ऐसा नहीं करना। अब बताता हूं, अंत की बात बताता हूं। समागम आने वाला था, तो तबीयत उनकी खराब हो चुकी थी, काफी समय से बीमार थे, हर जगह उनके बेटे ने, कहते ना, एक से बेटे का फर्ज नहीं निभाया, एक सेवादार के साथ सेवादार की तरह सेवा ऐसे की, उनके जो बहू और बेटों ने वो सेवा की, वो सेवा की। कहते बहू बेटी तो अलग सेवा करेंगे, वो तो एक फर्ज निभाएंगे अपने पिताजी के लिए जो काम कर सकते, मगर सेवादार वो होता है कि एकदम से पूर्ण रूप से सेवा, किसी को दाएं बाएं नहीं देखना। उनके बहू बेटों में इतनी वो, आप मिलोगे कि बस खुद उनसे उनसे अगर कभी मुलाकात हो गई, बात करोगे तो दोनों दोनों रोने लग जाते हैं, क्योंकि बातें ऐसी, वो इंसान ही ऐसे थे, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, जहां भी बताया, जिसने भी बताया, जैसे भी बताया, वहां जाना, वहां जाना, हर तरह से उनका पूरा प्रयास था। हमसे कई बार बात होती, बोला महात्मा जी कुछ भी हो जाए, पिताजी मेरे ठीक हो जाए, चाहे पैसा कुछ भी खर्चा कितना,
बस पिताजी ठीक होने चाहिए, जो भी हो जाए खर्चा क्या, हर जगह हर अस्पताल जिसने बताया वहाँ ले जाओ यहाँ ले जाओ लेके गए। जब देखा कि डॉक्टर ने सब कुछ जांच पड़ताल करके बोल दिया कि उनको जो प्रॉब्लम थी, मैं ये बताना नहीं चाहूँगा, जो प्रॉब्लम थी कि देखो इलाज तो चल रहा है चलता रहेगा, अब कोई बता नहीं सकते कि कब तक है, जो भी है सेवा करो, तो बताया अपने बारे में, तो बोला बस आप सेवा ही करो, आप बाकी अपने तसल्ली के लिए लाते रहो दिखाते रहो, दातार कृपा करे हो तो ठीक भी हो सकते हैं, बाकी तो खूब दिल तन मन धन से सेवा करी बेटे ने बहू ने, पोते तो छोटे छोटे। तो समागम भी आने वाला था, तो बात करी कि पिताजी समागम आने वाला है, आपकी तबीयत खराब है, आप समागम कैसे जाएंगे। बोला बेटा ऐसा है ना, हमारी चिंता छोड़ो, हम तो समागम जरूर पहुंचेंगे, आप अपना देख लो, अपनी तैयारियां करो, आप अपना देख लो आप कैसे पहुंचोगे, हम समागम जरूर जाएंगे। अब देखो जरा सोच के देखो, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। एक बात बोली थी कि इस मकान में आप 2 से 3 साल रहोगे और समागम मैं तो जरूर पहुंचूंगा, आप अपनी तैयारी कर लो, आप अपना देख लो। बोला ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी, आप पहुंचोगे अच्छी दातार कृपा करे। तो देखो कहते तन तो तन से नहीं, जो इंसान मन से आत्मा से जाए वही सच्चा है। हम सत्संग जाते दौड़ के, बाइक पे बैठ के, कार चला के, बस पे लटक के शरीर चला जाता है, हमारा मन तो कहीं और होता है, मगर वो देखो क्या महात्मा निकले रे बाबा, क्या महात्मा। काश हम भी ऐसे बन जाए, काश हमारी भी ऐसी अवस्था हो जाए, काश हमारी भी नियत ऐसी हो जाए, काश हमारी सोच बुद्धि हर एक चीज ऐसी महात्माओं की तरह हो जाए, हम पूरी तरह से निरंकार में सद्गुरु के वचनों में ढल जाए, चरण धूली संतों की और सद्गुरु के वचनों पर चल जाए, गुरुमत पे रह पाए। बोला आप अपना इंतजाम कर लो, अपनी तैयारी कर लो, मैं तो समागम जरूर पहुंचूंगा। तो बस समागम का दिन आया, तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। बोला पिताजी चलना है? बोला हाँ तैयारी करो, हम चलेंगे, हम चले। बोला आप तो कैसे चलोगे, आप तो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हो। बोला चिंता नहीं करो, हम समागम जरूर पहुंचेंगे। देखो जरा सोचने वाली बात है, उनको कैसे आभास हो गया, जो इंसान बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बोला तुम अपनी तैयारी कर लो, बेटे बहू बोलो और मेरी छोड़ो, मैं समागम जरूर जाऊंगा, पहुंचूंगा। तैयार हो गए, बोले चले पिताजी कैसे चलोगे। बोला ठीक है बेटा चलते हैं, पहले सुमरन करो। सुमरन कराया, सुमरन करते 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 तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनु बख्श लो। उस सुमरन करते करते वो इस निरंकार विराट सत्ता में विलीन हो गए, पहुंच गए, उनसे पहले समागम पहुंच गए, मगर खुद तो चले गए। बेटे ने तैयार जो कपड़े लत्ते पहन के गाड़ी सजा जाके ठीक है तैयारी फुल तैयारी करके वो नहीं जा पाए और वो समागम पहुंच गए। देखो ये होती गुरमत की, होती लगन की, ऐसी आपकी लगन है, हमारी सबकी लगन है, ऐसी अवस्था है हमारी, ऐसी भावनाएं हैं हमारी, नहीं है। काश ऐसी भावनाएं हो पाए सभी संत महात्माओं की, सच्चे पाशव सदगुरु माता सुदीक्षा जी से अरदास करता हूँ कि यही अवस्था दास की हो और पूरे विश्व में जितने निरंकारी संत महात्मा जितने भी शरीर रूप में इंसान है, इंसान जितने भी हैं, सभी की अवस्था ऐसी हो जाए कि गुरमत में चल जाए, अपने प्रभु परमात्मा में ऐसे खो जाए कि पूरी दुनिया को भुला दे कि सब कुछ यही है, कहते असल यही है, हम नकल में जी रहे हैं। तो दातार ऐसी कृपा करना, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनु बख्श लो। वीडियो कैसा लगा, उनके बारे में उनकी शिक्षा से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताना। और दास से आज पहली बार रिक्वेस्ट करना चाहेगा, दास का फेसबुक पे पेज भी है आदित्य सर जी के नाम से, पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको फॉलो जरूर करें। फेसबुक पे दास का चैनल प्रोफाइल है आदित्य कुमार के नाम से, और आदित्य सर जी के नाम से एक पेज बनाया है, अभी फॉलोवर्स बहुत कम हैं, तो अगर आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, इसमें से भी कुछ वीडियो डालता हूं मैं, पहला एक वीडियो डाला आप देखेंगे, जैसे आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो जरूर करूंगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद जी।